नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज की चर्चा बुध ग्रह के ऊपर, वो ग्रह जो बुद्धि का कारक है, वो ग्रह जिसे ज्योतिष में राजकुमार का दर्जा प्राप्त है और वो ग्रह जिसे बाल ग्रह कहते हैं, बच्चा ग्रह कहते हैं। देखिए, दोनों बातें हैं इसमें। एक तो बच्चा, एक बुद्धिमान है। तो प्रत्येक भाव में कैसे अच्छा फल ले, एक तो इस पर चर्चा करेंगे। पहले समझ ले थोड़ा सा कि बुध एक्चुअल में क्या है। देखिए, बुध नवीनता का कारक है और उत्साह का कारक है। जिनका बुध स्ट्रोंग होता है, आमतौर पर सोचने का ढंग पॉजिटिव होता है उनका, जिसके कारण शरीर भी स्वस्थ होता है। जैसे छोटा बच्चा 2 साल का, 3 साल का, तो बहुत अधिक एक्टिव होता है। तो एक डॉक्टर साहब बैठे थे मेरे पास बच्चों के, तो मैंने कहा कि बच्चा इतना एक्टिव क्यों होता है, इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है? तो वो बोले कि बच्चे के जो सभी ऑर्गन्स हैं, लीवर है, किडनी है, डाइजेशन सिस्टम है, वो बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। जब 2, 3, 4 साल का हो जाता है तो बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, जिस कारण बच्चा एक्टिव रहता है। यानी कि जो खाता है वो पूरे का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिनका बुध स्ट्रोंग हो तो भाई उनके भी सभी वाइटल ऑर्गन्स अच्छे ही रहते हैं। और जो बुध है सूर्य के साथ, या सूर्य से एक घर आगे एक घर पीछे, इन्हीं भावों में मिलता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही ऐसी है, सूर्य के सबसे नजदीक है। तो कुछ विद्वानों का ये मत है कि अगर बुध अस्त हो तो भी ये अच्छा फल देता है, और एक्सपीरियंस में भी ये आया है कि जब बुध अस्त होता है तो फल में तो शुभता रहती है, लेकिन थोड़ी टेंशन दे देता है। दिमाग पर अधिक सोचने के कारण थोड़ा वजन दे देता है। तो बुध आपका जिस भी भाव में है, एक तो निर्णय लेने में आप अधिक समय ना लगाएं, उस भाव से संबंधित जो भी मामले हैं, क्योंकि निर्णय लीजिए। और अगर कोई सलाह मशवरा करना है तो जो एक्सपर्ट है उससे करना है, ये नहीं कि ये मेरा बहुत प्रिय मित्र है उससे फोन कर पूछते हैं, तब बात नहीं बनेगी, फिर कंफ्यूजन बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, जिस भाव में बुध हो किसी के बहकावे में नहीं आना, अपनी बुद्धि का उपयोग करना और इंजॉय करना है उस भाव को। उस भाव से संबंधित जो भी मामले हैं उनको अधिक सीरियस नहीं लेना। जैसे छोटी सी एग्जाम्पल की, दूसरे भाव में बुध है तो एकदम संचित धन कहीं खर्च हो गया, कोई बीमारी पर लग गया, या नई वस्तु खरीद ली, जैसे बुध की पोजीशन होगी, तो जा तक एकदम जैसे धक्का लगता है ना, वैसे फील करता है कि ये क्या हो गया। तो भाई ये मृत्यु लोग है, यहीं से धन कमाया,
और यही हमने दे दिया। हमें लगता है कि धन बर्बाद हो गया, लेकिन कर्जा देना था जिनका, वो देना ही है, हर हालत में देना पड़ेगा। और जो बुद्ध है वो बिजनेस का कारक है, और जो वकील है जिनको दलील देनी पड़ती है, या जो कंसल्टेंट्स है, जो आपके एजेंट हैं, अगर उनका बुद्ध स्ट्रोंग हो तो सोने पर सुहागे वाली बात है। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो स्पोक्स पर्सन है, उनको अपनी पार्टी को डिफेंड करना पड़ता है, चाहे कितना भी किसी सदस्य से गलत कार्य हो जाए, इस तरह का तर्क देना पड़ता है कि अपनी पार्टी सुरक्षित रह सके। तो उनका बुद्ध भी स्ट्रांग होना चाहिए। बुद्ध अगर शुभ हो तो भाई जातक मजाकिया होता है, यानी कि मौके पर ऐसी बात उसके दिमाग पे में आती है कि सभी दंग रह जाते हैं, और हाजिर जवाब होता है। बुध एक इस तरह का ग्रह है कि संगति का असर बहुत जल्दी होता है, क्योंकि बच्चा तो जैसे पानी है, जिस तरह के बर्तन में डालोगे वही शेप ले लेगा, गोल बर्तन में डालोगे गोल शेप ले लेगा, और अगर लंबे बर्तन में डालोगे लंबी शेप ले लेगा। और जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि राजकुमार है, राजकुमार के दिमाग में यही बात होती है कि मेरे पिता राजा हैं, तो अहंकार जिद जो सोच लिया, जो वचन कर दिए, वो काम होना चाहिए। और चंद्र और बुध ये आपस में जब मेल होता है तो जातक को बहुत परेशान करते हैं। ये ऐसे परेशान नहीं करेंगे कि कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन सोच बहुत नेगेटिव कर देते हैं। बहुत अधिक सोचने के कारण जैसे जख्म को कुरेदते जाओ तो बड़ा जख्म हो जाता है। इस तरह से छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं। जो बुध है सिर्फ वही यही इस तरह का ग्रह कि एक ही राशि इसकी सब राशि है, और वही इसकी उच्च राशि है, वही इसकी मूल त्रिकोण राशि है, वो है कन्या। अंशों का हिसाब किताब है, उसके हिसाब से चलता है ये। और मिथुन सब राशि है। अब बात करते हैं कि बुध का मित्र कौन है। बुध क्योंकि बालक है, एक तो चंद्रमा की बात हो गई कि चंद्रमा से तो इसका दूर से ही, जैसे कहते हैं कि ईंट कुत्ते का संबंध, वैसा संबंध है। और शुक्र अच्छा फल देता है, शुक्र की राशि में दो में हो सात में हो बुध अच्छा फल देता है। इसके अलावा राहु और बुध ये डिपेंड करते हैं। अमूमन देखा गया कि बुध की राशि में राहु अच्छा फल ही देता है, क्योंकि मिथुन राशि में राहु को उच्च का मानते हैं कुछ विद्वान, और कन्या राशि राहु की सब राशि होती है। इसलिए राहु और बुध का जो संबंध है वो एकदम से इस तरह के डिसीजन ले लेता है जातक
अगर शुभ हुआ तो बहुत बड़ा लाभ, अगर अशुभ हुआ तो भाई फिर हानि। और बुध जिस भाव में होता है, मैंने कई ज्योतिष सम्मेलन में भी इस पर चर्चा की कि जिस भाव में आपका बुध विराजमान हो जाए, आपका ध्यान उसकी तरफ बहुत अधिक जाएगा, उस आपकी सोच उस भाव के प्रति हमेशा सक्रिय रहेगी, तो जिसके कारण गलत डिसीजन ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कि बुध चौथे भाव में है, तो मैंने गाड़ी खरीदनी है, मेरा बुध मान लीजिए चौथे भाव में है, तो पहले तो नेट जिनको चलाना आता है, गूगल पर सर्च करेंगे कि जी कौन सी गाड़ी अच्छी है, उसके बाद मार्केट का सर्वे करेंगे, और उसके बाद मित्रों से पूछेंगे कि किसके पास वो गाड़ी है। तो छोटे से मैटर को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देता है बुध। तो जिस भाव में बुध हो, अधिक नहीं सोचना, अधिक सीरियस नहीं लेना, कोई गाड़ी ले लो, और गाड़ी का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जो भी लोग है भाई, आपका जो मकसद है वो पूरा करेगी। अब प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं कि बुध से हम पूर्ण लाभ किस तरह से प्राप्त कर सके। सबसे पहले लगन का भाव, पहला भाव। देखिए लगन का भाव बुध का प्रिय भाव कहा गया है। इसमें जो मुझे लॉजिक लगता है वो ये लगता है कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये मंगल की राशि है मेष, मंगल साहस का कारक है और बुध बुद्धि का कारक है। जब साहस और बुद्धि का मेल होता है तो जातक बड़े से बड़ा काम जब करता है उसकी दिशा और दशा सही होती है, इसलिए जीवन में बहुत तरक्की, बहुत प्रसिद्धि ये सब प्राप्त करता है। और अगर कोई जातक की ओर ध्यान ना दे तो जातक की कोशिश होती है कि कैसे इसको इम्प्रेस करूं, कि इसको लगे कि मैं भी कोई हस्ती हूं। तो फिर जब उसके साथ कोई तर्क वितर्क करता है तो इस तरह से शो करता है कि मैं बहुत विद्वान हूं, मुझे बहुत नॉलेज है। जब शुक्र के साथ संबंध हो जाए तो कोशिश ये करें कि जैसे आपका हुलिया है, जैसे बाल है, जैसा मुख है, उस पर कोई मेकअप वगैरह ना करें, यानी जवान दिखने की कोशिश ना करें। बुध शुक्र का मेल ऑपोजिट सेक्स के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, तो जिसके कारण कोई अधिक फायदा नहीं होता लाइफ में, कोई लाभ नहीं होता। इसलिए शुक्र के साथ बुध पहले भाव में हो जाए, दृष्टि हो शुक्र की, तो जैसा ईश्वर कर रहा है उम्र के साथ जो जो चेंज आ रहे हैं आपकी बॉडी में, ठीक है वैसी चलने दीजिए। चलाकी करने की आदत होती है, लगन है पूरी कुंडली को कंट्रोल करता है और बुद्धि बहुत है, साथ में भाई बच्चा, तो चलाकी तो बहुत अच्छे ढंग से करता है लेकिन कई बार पकड़ा जाता है, यानी इसकी चलाकी दुनिया के सामने आ जाती है। तो फिर जातक लॉजिक देता है कि जी मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तो अगर आप पकड़े गए ना कहीं पर,
तो कोई लॉजिक नहीं देना। दूसरा जो सोचता है उसको सोचने दीजिए, कभी कुछ सोचेगा कभी कुछ सोचेगा, तो आपकी बदनामी कम होगी। बिल्कुल लॉजिक नहीं देना। और अपने जीवन में आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, आपके बातचीत करने का ढंग बहुत अच्छा होगा, आपके चलने का ढंग बहुत अच्छा होगा, लेकिन छोटी छोटी बात दिमाग में घूमती रहती है। किसी ने कोई ऊंची आवाज में बात कह दी, थोड़ा अपमान कर दिया, तो भाई उसे भूल जाइए, थोड़ा ढीठ पुना लाना पड़ेगा। नहीं तो कई बार अधिक सोचने के कारण इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिसके कारण आपका हेडेक, माइग्रेन की प्रॉब्लम, स्किन की एलर्जिक, हाथ पैर सुन्न होने, सिर का सुन्न होना, आंखों का फटकना, इस तरह की प्रॉब्लम आपको बुध पहले भाव में दे सकता है। जब दूसरे भाव में आपका ये बुध विराजमान हो जाए तो दूसरा भाव संचित धन का भाव है। अगर अकेला बुध हो और किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो तो भाई जीवन में धन के मामले में उतार चढ़ाव आएंगे। और जब आपको धन इन्वेस्ट करना है तो एक प्लानिंग के साथ कीजिए, किसी अच्छे विशेषज्ञ की, कि जैसे 100 रुपये हैं तो इसमें से 30 रुपये रिस्क इन्वेस्टमेंट कर दिए, 50 रुपये की आपने FD करवा ली और 20 रुपये आपने सेविंग में रख दिए कि जब भी जरूरत पड़े मैं इसको निकलवा सकूं आसानी से। तो प्लानिंग कीजिए और उस तरह से इन्वेस्ट कीजिए। जिनका बुध दूसरे भाव में है, ये प्लानिंग सबसे अच्छी है जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा कई बार जातक धन को इन्वेस्ट करने में जल्दबाजी करता है कि शेयर का दाम थोड़ा सा बढ़ा, वहां से निकाल कर दूसरे शेयर में लगा दिए पैसे। तो ऐसा नहीं करना, थोड़ी पेशेंस रखें और उसके अनुसार चलें। जो आपके परिवार के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, खानदान के लोग हैं, उनके साथ जब व्यवहार करें तो अधिक हिसाबी किताबी नहीं बनना, दिल खोलकर उनके साथ व्यवहार करना है। अगर अधिक हिसाब किताब में पड़ गए तो भाई चिंता तो होगी ही होगी आपको, और अंदर ही अंदर सोचते रहोगे कि इसको मैंने ये फायदा दे दिया, मुझे घाटा हो गया, जो फायदा हो गया नुकसान हो गया, वही उसको छोड़ दे। बुध जब दूसरे भाव में होता है तो जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनकी अधिक चिंता नहीं करनी कि कोई बुजुर्ग बीमार हो गया। ठीक है, अपना फर्ज पूरा कीजिए, लेकिन चिंता नहीं करनी। चिंता आपके लिए सबसे अधिक घातक है। अगर चिंता अधिक रहेगी तो इसका असर आपकी वाणी पर पड़ेगा, यानी बोलते समय बीच में रुकना शुरू कर दोगे या बोलने में थोड़ी दिक्कत महसूस करोगे। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी। और जो आपकी बहन है, बुआ है, उनको कोई प्रॉब्लम हो तो उनकी सहायता कीजिए। कोई रिश्तेदारी में बीमार है, उसको धन की आवश्यकता हो तो भाई उसकी भी सहायता करें। बुध जब तीसरे भाव में विराजमान हो जाता है तो एक लिमिट होती है
हर काम की, जो आपके पास डिग्रीज है, जो नॉलेज है, उसको अधिक बढ़ाने की कोशिश ना करें। जितनी आवश्यक है पढ़ाई उतनी ही करें। फजूल में डिग्रियां इकट्ठे करने का आपको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आप जिस लाइन में कामयाब होंगे वो मीडिया की लाइन हो सकती है, कम्युनिकेशन की लाइन हो सकती है, सेल्स की लाइन हो सकती है। तो भाई इन लाइन में आपको डिग्री की आवश्यकता तो होगी थोड़ी सी, बट जो आपका टैलेंट है वो बहुत काउंट करेगा। तीसरे भाव में बुध हो, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, आपके गुण आपकी तरक्की का कारण बनेंगे। आपके जो डिग्री है वो कम योगदान देगी आपकी तरक्की में। छोटे भाई बहन है जो, उनसे दिल खोल कर चलिए, और अगर थोड़ा बहुत अधिक देना पड़े तो दे दे कि छोटा है मेरे बच्चों जैसा, कोई बात नहीं। और तीसरे भाव में बुध, जब भी कोई यात्रा वगैरह करनी होती है तो जातक को उसकी सोच कई महीने पहले ही लग जाती है कि वहां भी जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर यात्रा कीजिए और यात्रा में पूरा एंजॉय कीजिए। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत केस आए हैं कि यात्रा करते समय कुछ व्यक्ति आपके दोस्त बन गए जो आपके बहुत काम आए बाद में, तो यात्रा शुभ रहेगी। बिजनेस हो या नौकरी हो, तो उसमें आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, प्लानिंग बनानी पड़ेगी, नहीं तो मन वाइब्रेट करेगा जैसे बच्चे का करता है। कभी कहता है मैंने ये वाला चॉकलेट लेना है, कभी बोलता है वो वाला लेना है। एक बार स्ट्रैटेजी बनाइए, प्लानिंग बनाइए, फिर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। एक बार इम्प्लीमेंट कर दिया फिर प्रॉफिट और लॉस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। रोजमर्रा के जीवन में जो भी आप काम करते हैं पूरी एनर्जी के साथ करें। उस काम को करने के लिए हमेशा एक्शन मोड में रहना है, और ये नहीं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज का काम आज ही करना है। और कई केस देखे हैं कि लोग बहुत बहमी हो जाते हैं, तीसरे भाव में बुध हो, पुरुष शक्की हो जाते हैं, बिना मतलब का शक दूसरे पर कि जेब गड़बड़ हुई है तो इसी ने किया। और जो मेरी बहने हैं वो कहती हैं जी किसी ने कुछ किया कराया है हमारे ऊपर। तो मैं एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो किया कराया होता है उसका जो असर होता है वो प्रलोंग नहीं चलता, लंबे समय के लिए नहीं चलता, कुछ समय के लिए रहेगा। और उसके बाद जिसने नेचर के खिलाफ जाकर, यानी प्रकृति के खिलाफ जाकर आपका बुरा करने की कोशिश की है, तो उसके हालात बहुत खराब हो जाएंगे, उसको बहुत बड़ी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी, कोई बहम कोई भरम नहीं करना। और अपनी बहनों को मैं कहना चाहता हूं कि जो कोई आप पर कुछ कार्य करा रहा है, आपको लग रहा है सॉरी, तो उस तक मैसेज पहुंचा दे कि भाई दो चार टोटके टूने जो भी आप कहते हैं और कर ले, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, टेंशन फ्री होकर लाइफ एंजॉय कीजिए। चौथा भाव, चौथे भाव में बुध विराजमान हो, तो चौथे भाव में बुध
कामनाएं बच्चों जाती, जिद बच्चों जाती। किसी दोस्त ने कोई गाड़ी खरीद ली तो जातक के मन में आएगा मैं इससे अच्छी गाड़ी खरीदूंगा, यानी कामनाएं बच्चों जाती होती हैं। लेकिन देखिए जीवन में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि भाग्य बहुत साथ दे रहा होता है, बहुत रिच फैमिली में उनका जन्म होता है, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा। जो दूसरे लोग हैं तो वो भाई कामनाएं तो रखते हैं लेकिन उतनी मेहनत नहीं करते, फिर कहते हैं कि जी हमारा तो भाग्य साथ नहीं दे रहा। भाग्य की प्रॉब्लम नहीं है, जहां आपकी मेहनत की प्रॉब्लम है। मेहनत कीजिए, और जब आपकी इच्छा कोई पूरी ना हो तो बार बार ध्यान आपका उसी इच्छा की ओर जाएगा कि मैंने ये वस्तु खरीदनी है, मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे इकट्ठा करूं, जिसके कारण बिना मतलब की टेंशन, नींद आने में प्रॉब्लम, और चौथे भाव में बुद्ध सुख की अधिक कामना के कारण जो छोटी मोटी कामनाएं पूरी हो गई उसका आनंद नहीं लेना और बड़ी कामना के पीछे चलते रहना है। जब आपको नींद ना आए तो अपनी लाइफ को सीरियस लेना छोड़ दें और ये दिमाग में रखें कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, कोई दुश्मन है, कोई दोस्त है, ये अगले पिछले जन्म का कर्जा पूरा हो रहा है, और बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना जीवन व्यतीत करें। कई बार देखा है कि चौथे भाव में बुद्ध तो विधवा स्त्री आपकी बदनामी का कारण बन सकती है, तो उससे दूर रहे तो अच्छा। वैसे भी स्त्रियों से दूर रहे, और अगर स्त्री की कुंडली में है तो पुरुषों से दूर रहे, क्योंकि पुरुष आपके सामने तरह तरह के ड्रामे करेंगे, झूठ की जो आपका एक लेवल है बर्दाश्त करने का, जो आपकी सिंपति है, झूठ बोलकर आपकी सिंपति प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो जो मेरी बहनें हैं उनको इस बात का खास ख्याल रखना है। पंचम भाव में बुद्ध विराजमान हो जाए। देखिए पांचवें भाव में बुद्ध, पंचम भाव आपकी बुद्धि का है, अचानक लाभ का है, भाग्य का है, नवम से नवम है। तो जिस क्षेत्र में सोच विचार दिमाग की अधिक आवश्यकता हो उस क्षेत्र में जातक बहुत कामयाबी हासिल करता है। जैसे आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, फैशन डिजाइनर हो गए, तो एक फैशन डिजाइनर मुझे मिला तो बोलता कि जी हम जब एक डिजाइन करते हैं किसी सेलिब्रिटी के लिए तो 1,00,000 रुपए ले लेते हैं। तो मैंने कहा कि भाई जो आम टेलर वगैरह है वो तो बहुत कम पैसे लेते हैं। वो कहते हैं कि यही तो अंतर है जी उनके कट मारने में और हमारे कट मारने में। हम उस जगह कट मारेंगे कि लोग उनकी तरफ आकर्षित हो, और वो उस जगह कट मारेंगे जहां लोगों का आकर्षण जीरो हो। तो ये बुद्धि का काम है, इस क्षेत्र में बहुत कामयाब होते हैं। शू डिजाइनर्स जो बड़े बड़े हैं पंचम भाव में बुद्ध है, और पंचम भाव में बुद्ध
अगर शुभ प्रभाव में आ जाए तो जातक के दिमाग में विचारों की ट्रैफिक बहुत बढ़ जाती है। एक तरफ से एक आ रहा है, दूसरी तरफ से दूसरा आ रहा है, जैसे ट्रैफिक जाम हो गई तो फिर क्या होता है, हॉर्न पर हॉर्न, हॉर्न पर हॉर्न, इसी तरह ट्रैफिक फिर जाम हो जाती है और दिमाग भारी हो जाता है, जिसके कारण माइग्रेन, सिर दर्द, हाथ पैर सुन्न होने, एलर्जिक, इम्यून सिस्टम कमजोर होना, इस तरह की बीमारियां जातक को घेर लेती हैं। तो अधिक सोचना नहीं, अधिक अहंकार नहीं करना, अधिक इच्छा नहीं रखनी, अधिक तर्क वितर्क नहीं करना। अगर आप वकील हैं तो जहां बयानबाजी करने की आवश्यकता है वहीं पर कीजिए, वरना अपनी एनर्जी बचाकर रखिए और उसका सही उपयोग करना। आपको संतान के बारे में बेफजूल की चिंता, भाई संतान का जन्म जब हुआ था तो वो अपना भाग्य साथ लेकर आए हैं, चाहे आपका बेटा है या बेटी है, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, आप अपना फर्ज निभाइए, उनका भाग्य उनको दिशा और दशा देगा आगे बढ़ने के लिए। पंचम बुद्धो, तो जातक को ये भी मालूम होता है कि जो दूसरा बंदा है मुझे मूर्ख बनाकर मेरा जूझ कर रहा है, लेकिन फिर भी एक डर सा होता है कि कल को मुझे इससे काम ना पड़ जाए, तो जातक बोलता नहीं, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो होता है। जहां पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रखना, जहां आपको लगे कोई आपको जूझ कर रहा है तो भाई बिल्कुल स्ट्रेट वे में उसका मुकाबला कीजिए। पंचम भाव में बुद्धो, अगर मेमोरी कमजोर हो जाए आपकी, चीजें रखकर भूल जाए, या ऐसी आदत जैसे हाथ बार बार धोने, या दवा खा ली फिर भूल गए कि खाई थी कि नहीं खाई, इस तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए तो फौरन बुद्ध का दान कीजिए। बुधवार के दिन गणेश जी को लड्डू अर्पण करें या किन्नरों को हरा कपड़ा दान में दीजिए, और लाइफ को अधिक सीरियस लेना छोड़ दे कि ये भी मेरा हो जाए वो भी मेरा हो जाए, बिल्कुल नहीं। मेडिकल एडवाइस तो लेनी ही लेनी है, और जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे मेडिसन उसके बारे में ज्यादा छानबीन नहीं करनी, कि आते ही गूगल पर सर्च करने लग गए कि क्या है मेडिसन, किस लिए है, क्या साइड इफेक्ट है, तो साइड इफेक्ट देखकर ही आप घबरा जाओगे। छठे भाव में बुद्ध विराजमान हो, जब छठे भाव में बुद्ध विराजमान होता है तो दुश्मन ऐसे कि जैसे बच्चे किसी को थप्पड़ मारकर फिर क्या करते हैं, वहां से भाग लेते हैं या छुप जाते हैं, तो इस तरह के दुश्मन होंगे कि सामने से कोई वार नहीं करेगा, छुप कर वार करेगा, और कई बार जातक को पता भी चल जाता है कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो दुश्मन हंस कर टाल देगा कि भाई तू तो मेरा बड़ा भाई है, मैं कैसे तेरे लिए ये सोच सकता हूं, यानी जातक को अपने कंट्रोल में कर लेगा। और छठे भाव में बुध आपको दुश्मनों का बेसलेस फियर देगा, दुश्मनों से बिना मतलब का डर देगा, कि जैसे समुंदर है और आप समुद्री जहाज चला रहे हैं, अचानक समुद्र में तूफान आ गया और आपका जहाज डूब गया, तो भाई ना तो समुंदर है
ना ही समुद्री जहाज है, सिर्फ कल्पनाएं हैं, कल्पनाओं में बिल्कुल नहीं खोना। इसके अलावा अपने नर्वस सिस्टम का पूरा ख्याल रखना है। अगर आपके घुटनों के नीचे का भाग उसमें दर्द हो रहा हो तो पूरी सावधानी बरतनी है। छठे भाव में जब बुध हो तो जो आपकी अंतड़ियां हैं, इंटेस्टाइन, जिसमें आपका भोजन पचता है, उसकी प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग नौकरी करते हैं उसमें अधिक बदलाव अगर होते हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बदलाव कर लीजिए, आपके लिए अच्छा ही होगा। और कार्य क्षेत्र में ऑपोजिट सेक्स के लोगों से दूर रहना है, वो आपके लिए कोई ना कोई समस्या खड़ी रखेंगे। सप्तम भाव में बुध, हाउस ऑफ पार्टनर, इसको कुंडली का कोर्ट रूम कहते हैं, कानून का भाव कहते हैं। जब शुभ हो बुध तो जीवन साथी भी भाई बहुत बुद्धिमान होता है, और वो भी ये चाहता है कि मुझे अहमियत मिले, पति हो या पत्नी, कि मेरा पार्टनर मेरी इज्जत करे और जिस समय मुझे जिस वस्तु की आवश्यकता हो मेरी आवश्यकता पूरी हो। तो अगर इतना ही कर दिया आपका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन अगर अहंकार आ गया कि पत्नी बोल रही है कि पानी का गिलास दे दो, पति का मूड अच्छा नहीं है, उसने बात सुनी अनसुनी कर दी, फिर भाई महाभारत। तो सप्तम भाव में जब बुध हो, एक तो किसी भी पेपर पर सिग्नेचर करने हो तो सोच समझ कर करने हैं, ये नहीं कि आपको बंदे पर बहुत विश्वास है, उसने आपके आगे कागज रख दिया, आपने साइन कर दिए, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और कोई लीगल मैटर है, आपका दिमाग बहुत अच्छा है, बुद्धि बहुत अच्छी है, और आपने किसी पर कोर्ट केस कर दिया या किसी ने आप पर कोर्ट केस कर दिया, तो आपकी जो सलाह है वो आपके वकील के बहुत काम आएगी, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है बहुत तीक्ष्ण है, इसलिए पॉइंट बनाए और वकील को वो कागज देकर आए कि सर इसके बारे में भी एक बार सोच लेना, पढ़ लेना, वो आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होंगे। जब भी सप्तम भाव में बुध होता है तो मस्त रहें, चिंता में जब आप होंगे तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अपने लिए, अपने राज दूसरों को बता देंगे। और जब चिंता में होंगे अगर हाथों में पसीना आता हो तो भाई फिर सीरियस बात है, बुध का दान करना पड़ेगा। इसके अलावा पेशाब की बीमारी को इग्नोर नहीं करना, स्टोन हो किडनी में उसे इग्नोर नहीं करना, प्रॉपर उसका इलाज करवाना। और जो आपकी सिस्टर इन लॉ भाभी है या जीजा है उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखें। मैं ये नहीं कहता कि संबंध खराब करने हैं, थोड़ी दूरी बनाकर रखें तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी। अष्टम भाव में बुध, देखिए अष्टम भाव एक इस तरह का भाव है जो पूरी कुंडली के जो गुप्त काम होते हैं वो अष्टम भाव से देखे जाते हैं। अष्टम भाव में बुध हो, जातक के सोचने का ढंग दूसरों से अलग ही होगा, रिसर्च के क्षेत्र में बहुत कामयाब होगा। और अगर कोई भी बिजनेस हो उसमें जो प्लानिंग करेगा उसमें कामयाबी मिलेगी। प्रसिद्धि बहुत देता है अष्टम भाव का बुध,
पैसे चाहे कम हो लेकिन प्रसिद्धि बहुत होगी जातक की, आदर मान सम्मान बहुत अच्छा होगा, ससुराल से लाभ करवाने के लिए भी अच्छा जोग है ये। और जो पैतृक संपत्ति है जब उसका बंटवारा हो रहा हो तो आप जल्दी डिसीजन नहीं ले पा रहे, जिसके कारण डिस्प्यूट थोड़े बढ़ जाते हैं। तो पैतृक संपत्ति का जब बंटवारा हो रहा हो क्विक डिसीजन लीजिए और आपके लिए लाभदायक ही होंगे। आज आपको चाहे लग रहा है कि मेरे लिए लाभदायक नहीं है, मगर भाई आपके लिए लाभदायक ही होंगे। अष्टम भाव में बुद्धो अपने आप को पूरा सीक्रेट कर ले, खास तौर पर बहुत कम बोलें, जितना सीक्रेट रहोगे उतना ही आप तरक्की करोगे। नवम भाव में जब बुद्ध विराजमान हो जाए तो जब भी जीवन में बुरा वक्त आए तो अपने पिता के बारे में सोच लेना कि वो बुरे वक्त का मुकाबला कैसे करते थे। आप भी उसी तरह मुकाबला करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को बहुत आसानी से भाई पार कर जाओ। कोई आपसे बहसबाजी करे, तर्क वितर्क करे तो जहां बात खत्म भूल जाए उसको, रात गई बात गई। इज्जत का सवाल नहीं बनाना, प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना। बहुत जगह देखा है नवम भाव में बुद्धो छोटी सी बात को जातक प्रेस्टीज इशू बना लेता है कि जी मैं तो इस पर डिफेमेशन का केस डालूंगा, मानहानि का केस डालूंगा। भाई छोटी छोटी बातें लाइफ में चलती हैं और आपको संतुष्ट रहना है। धर्म इस क्षेत्र में अच्छा नाम कमाते हैं नवम भाव में बुद्धो, मगर कई बार जीवन में थोड़े धक्के लग जाते हैं तो जातक सोचता है कि ये ईश्वर धर्म कुछ नहीं है, तो वो नास्तिक बन जाता है। कुछ समय के लिए ऐसा होगा कि आप नास्तिक बन जाओगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर वही सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जब आपका भाग्य भाव में बुद्ध हो तो जन्म भूमि से जितनी दूर काम करोगे उतना ही आप अधिक पैसा कमाओगे, उतनी आपकी रेपुटेशन होगी, राजनीति में भी उतनी सफलता मिलेगी, यानी जन्म भूमि से दूर जाकर आपको अधिक लाभ होगा। और एक बात का ध्यान रखना, बुद्ध सीढ़ियों का कारक है, जो हमारी स्टेयर्स होती हैं। तो जब आप कोई घर बनाए नया तो सबसे अधिक सुंदर आपकी सीढ़ियां हो तो बुद्ध बहुत अच्छा फल देगा नवम भाव में। अगर पुराना घर भी हो तो वही भाई कोशिश कीजिए कि जो आपकी सीढ़ियां हैं घर की, जितनी उसको सुंदर बना सके, जितनी डेकोरेशन कर सके उतनी आप कीजिए। दशम भाव में बुद्ध, आमतौर पर दशम भाव ऐसा देखा गया कि ये बुद्ध का प्रिय भाव है, यानी जातक को उसके रोजगार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, खास तौर पर सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छा फल देता है। अगर दशमेश थोड़ा सा भी स्ट्रांग हो तो बड़ी बड़ी शक्तियां देता है। और जातक शक्तियों के कारण बहुत खुश रहता है क्योंकि उसको सलूट बहुत पढ़ते हैं, और जब सलूट पढ़े दशम बुद्ध हो तो बाल ग्रह तो बहुत खुश हो जाता है। दशम भाव का बुद्ध आपकी कलम में इतनी शक्ति देगा कि आप किसी का अच्छा या बुरा खुद कर सकते हैं, या जिसके साथ आपके संबंध है उससे करवा सकते हैं। और अगर आप किसी अच्छी पोजीशन पर हैं तो अगर किसी से काम करवाना हो तो उसको काम क्वेश्चन के रूप में कहना है कि भाई
ये काम कर दोगे, ऑर्डर नहीं देना, क्योंकि ऑर्डर देना आपको आता ही नहीं। बुद्ध है, बच्चा है, तो जब ऑर्डर दोगे तो अहंकार झलकेगा। बिल्कुल ऑर्डर नहीं देना, क्वेश्चन के रूप में काम करवाना। इसके अलावा जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें भाई मित्रों के साथ बैठकर ड्रिंक वगैरह कम करें, खासतौर पर ऑफिस में तो बिल्कुल ही ड्रिंक नहीं करना, वरना कोई ना कोई आपके वीडियो बना सकता है, आपकी कंप्लेंट कर सकता है। दसम भाव का बुध प्रमोशंस के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आपको लगे कि कोई बिना मतलब के पंगा ले रहा है प्रमोशन में, तो कोर्ट केस कर दीजिए, आपका मामला बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ग्यारहवें भाव में बुध विराजमान हो जाएगा, तो ग्यारहवें भाव में बुध सब कुछ देगा आपको, अच्छी आमदन देगा, अच्छे मित्र देगा, सब कुछ देगा, लेकिन संतुष्टि नहीं देगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि मुझे आमदन के मेरे पास एक से अधिक सोर्स हो, मैं पॉलिटिक्स में भी कामयाब हूं, मेरी प्रेमी या प्रेमिका मेरे कहने में चले, जिसके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है वो मेरी हर बात माने, और किसी ने आपको चार पैसे अधिक दे दिए तो आपको वो बंदा बहुत अच्छा लगने लगा। तो भाई ग्यारहवें भाव में बुध संतुष्टि नहीं देगा, मन को भटकाएगा, और ऐशो आराम के पीछे जितना भागोगे उतना ऐशो आराम आपसे दूर भागेंगे। इसलिए कंफर्ट जोन पाने की कोशिश ही ना करना। और सबसे बड़ी बात, ग्यारहवें भाव का बुध जातक को शरारती बनाता है, जिसके कारण वो दूसरों में फूट डलवाकर फिर तमाशा देखता है। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना, कोशिश ये कीजिए कि सभी की मित्रता बनी रहे, सभी का भला हो, सभी का अच्छा हो, और जब कभी भी दिमाग पर अधिक प्रेशर आएगा, अधिक दबाव महसूस करोगे, तो फौरन इस जीवन को सीरियस लेना छोड़ दीजिए, चाहे कितना ही घाटा हो जाए, और बिल्कुल केयर फ्री होकर अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, तो देखिए कैसे सभी सुख सुविधा के साधन आपके पास भागे भागे आएंगे। बारहवें भाव में बुध काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु की राशि मीन राशि बुध नीच का हो जाता है। तो सबसे पहली बात कि जब कोई खर्च करना है तो किसी के कहने पर नहीं करना, कि बच्चे ने बोला ये ले लो, बीवी ने बोला वो ले लो तो ले लिया। जो आपकी बुद्धि कहती है, जिस वस्तु की आपको आवश्यकता है सिर्फ वही वस्तु खरीदनी है, लेकिन ये करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बुध एकदम गुस्साएगा आपको बड़ा खर्च करने के लिए, तो आप बड़ा खर्च कर दोगे। उसके बाद कई बार हाथ तंग होता भी देखा गया है। इसके अलावा 36 से 45 वर्ष के बीच, 36 से 45 इयर्स के बीच अगर जीवन में कोई बड़ी समस्या आए तो घबराना बिल्कुल नहीं, समस्या आएगी और चली जाएगी। जो आकर जा रही है तो भाई उससे क्या घबराना। दिन अगर अच्छे नहीं रहे तो दिन बुरे भी नहीं रहेंगे। एक बात अवश्य है कि जो सीक्रेट पावर्स है
वो एक बार आपकी मदद करेंगी। अगर आप समझ गए तो फिर जीवन में कामयाब, अगर नहीं समझे तो भाई फिर पैसों की कमी बनी रहेगी। जन्मभूमि से दूर आपको अधिक सफलता मिलेगी और वहां आपका एक नेम एंड फेम अलग ही होगा। मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा योग है, गति भी अच्छी होगी, थोड़े अच्छे काम कीजिए, बीमारों की सेवा वगैरह, गति भी अच्छी होगी और आपको जो अगला जन्म है वो भी भाई अच्छा मिलेगा। तो 12वें भाव में बुध हो, एक तो खर्च करने का ध्यान रख रहा है, दूसरा आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो उसकी पूरी मेहमान निवाजी करनी है ताकि आपको दुआ देकर जाए। गरीब से गरीब भी आ जाए, कोई मजदूर आ जाए, उसके साथ भी बहुत अच्छा सलूक करना है, तो भाई बुध आपको सभी सुख देगा। तो ये तो मेरा वीडियो था बुध के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।